आए थे इधर पालमपुर की तरफ एक सोशल एक्टिविटी को कैप्चर करने. सो एक वॉल पेंटिंग बना रहे हैं हम. वॉल पेंटिंग का इट्स डे टू एंड शूट का इट्स डे वन. और मेरे साथ हैं यहाँ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो इस वॉल पेंटिंग को कवर कर रहे हैं. सुशांत शर्मा एंड ओके. बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं ये. आप पालमपुर आएंगे तो जरूर विजिट करें ये जगह. एंड मेरे साथ हैं फोटोग्राफर जो इस चीज को फोटोग्राफी में कैप्चर कर रहे हैं. आप अपना नाम बता दें प्लीज. दीपक. और जैसे बांकीपिट्टी ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दो या तीन वॉलंटियर्स की उनको जरूरत है. हेयर दीज आर द वॉलंटियर्स जो कि हमें हेल्प करने के लिए आए हैं. अपना नाम बता दें प्लीज बारी बारी. नयन. अधिकाश. ठीक है. लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं हम आज. ऑलमोस्ट तीन दिन का प्लान है कि तीन दिन में ये चीज खत्म करनी है. लेट्स सी. मुर्गे का मोर बना दिया. हमें वैसे बोला बना दिया. क्या नाम है आपका? किसान. कैसे लग रही है पेंटिंग? अच्छी है. बस अच्छी है, कुछ खास नहीं लगी. अच्छा, सबसे अच्छी क्या चीज लग रही है? क्या चीज लग रही है अच्छी? वो क्या आंटी? आंटी नहीं, पहाड़. वो मॉम किन देखा आपने पतली साइड? काम पर है. वो पतली साइड देखना बिल्कुल. कैसा लगा? दे दे सारे, दे दे दस में. एक है दस का, दस के सारे. मुंह क्यों छुपा रहा है? वापिस नहीं दूंगा मैं ये, वापिस नहीं दूंगा मैं ये. बारे ले लो. कितने का एक? दस का एक. दस का एक. अच्छा एक बात बता, सुन सबसे अच्छा क्या लग रहा है तेरे को? सबसे अच्छा क्या लग रहा है इधर तेरे? बंदर. बंदर. आए तेरी फोटो है वो. कितना परसेंट काम हो गया? 50% हो गया शायद. ओके. थोड़ा बहुत ही बचा. ओके. तो शाम तक 60% तक हो जाएगा. बाकी हम कल करेंगे. ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े हुए. और जो ये वॉलंटियर्स हैं मतलब उनके थ्रू कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके लिए हेडेक तो नहीं हो गए? नो कमेंट. नहीं कुछ तो बताओ, बच्चे देखेंगे वीडियो. दे आर सपोर्टिव. सो ठीक चल रहा है. ओके ओके. होप सो आज 60% कवर कर देंगे हम, बाकी देखते हैं. जाते लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट कम्युनिटी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वॉल पेंटिंग का, पर अब इन लोगों को कौन समझाए कि होते हैं कुछ सन की इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो ऐसा इनिशिएटिव ले लेते हैं. एक आर्टिस्ट हैं, वो इंस्टाग्राम पे कॉमिक्स बनाते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं. वो सारे वॉलंटियर्स पूछ रहे हैं मुझे कि हमें बुला के वो क्यों नहीं आए. हेलो जी, शूट का दूसरा दिन है आज. और आज मेरे साथ हैं मेरे दो रेड कार्ड
गौरव और चेतन, हम ऑलरेडी एक घंटा लेट चल रहे हैं ड्यू टू दिस गाय। आधा घंटा भाई, एक घंटा लेट कराया पूरा, मतलब 11 बजे पहुंचना था और 12 बजे पहुंचे हम इधर, और बाकी सब यहां पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं लोग और हम क्या करेंगे अब। ठीक सारे वॉलंटियर तैयार हो गए हैं आज, क्या बात है, एक आर्टिस्ट हैं जो इंस्टाग्राम पे कॉमिक्स बनाते हैं, एंड कल सारे वॉलंटियर्स मेरे को पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। सो हेयर शिकम, हेलो महाराज, मस्ते, हाँ जी, और बताएं आप, क्या लग रहा है आपको, आज की डेट में खत्म हो जाएगा सारा काम? बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा। क्योंकि आप करने नहीं दे रहे हैं, काम है, वीडियो बनवाए जा रहे साथ में। अच्छा ठीक है, और कोशिश करेंगे कल तक बन जाए। ओके, और कल ना एक्चुअली वॉलंटियर्स आए थे 5-6, तो वो पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं आए, तो क्योंकि कल मेरे को कुछ अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट कम्युनिटी है जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, मैं लोगों को बता के थक गया हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट ही अप्रोच करे, वो हिमाचल में थोड़ा सा है कि मतलब काम होगा तो सरकारी होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो सेल्फ इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, बट ये 100% सेल्फ इनिशिएटिव है, वो तो हमारे जो हॉस्पिटल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ के जो SVO है मिस्टर संदीप कटोच, दे वर जनरस एनफ टू स्पॉन्सर ऑल द पेंट्स एंड कलर्स। सो अभी हमें वी गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर दिस, जिससे हमारा कॉस्ट कवर हो गया। बाकी नहीं, इसमें किसी गवर्नमेंट पार्टी का कोई हाथ नहीं है, इट्स ऑल सेल्फ इनिशिएटिव। ठीक है, थैंक यू, बस आप अब अपना काम करें, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। मुर्गा की मुर्गी पीछे से कैसा लग रहा है फिर काम करके? बहुत अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको पेंटिंग करते हुए? पेंटिंग करते तो मतलब बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे वॉल पे कभी पेंटिंग करी? लोकल आर्टिस्ट, दो तीन बार की है। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं आप, भले ही आपने मुर्गे को मुर्गी बना दिया। चलो ठीक है भाई, सेल्फी टाइम। हाँ सेल्फी टाइम, पेंटिंग तो जैसे कैसे चल ही रही है ना, लेकिन आप बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा इनमें से? भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो लटकाट था, पर भाई इन्होंने डाला नहीं यार। ओहो सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। और आपका फेवरेट कैरेक्टर? मेरा कुकड़िया कुकड़िया कन्फर्म ही नहीं है, कुकड़िया कुकड़िया। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डॉग, देख रहा हूँ मैं फेवरेट कैरेक्टर। हाँ बता फिर कौन सा तेरा फेवरेट? बंदर अच्छा है, बंदर मेरा है, तू और देख कुछ बंदर तेरा क्या है। चलो ये भी अच्छा है, बल्द बड़ा प्यार मिल रहा है बेचारे को। देखो हमारा भाई स्पेशल बिहार से आया है आर्ट देखने, नाम था अच्छा, तो कैसी लग रही पेंटिंग? अच्छा, आपके यहाँ भी होगी पेंटिंग, कलाकारी वगैरह कुछ? कि आपको वहाँ 5 से ही मतलब करते नहीं जी, मधुबनी पेंटिंग होती है हमारे यहाँ की। इस आर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आप बाकी भी की और बना रहे हैं? पहाड़ी संस्कृति को दर्शाया है आज के थ्रू, जो भी कल्चर है पहाड़ी कल्चर वगैरह को दिखाया जा रहा है, स्कूलों के बाकी विद्यालयों के कार्यक्रम जरूरत है। अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये थे हमारे दोस्त फ्रॉम बिहार, और ये हमारे न्यूज़ रिपोर्टर चेतन। मैं प्रोफेशन चेंज करता रहूँगा ऐसे। कंपनी में फेल हुआ है ना तो पक्का। This painting is not coming slow bro. Interview चल रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर्स आर रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री बिहाइंड द पेंटिंग, और काफ़ी आगे जाने वाली है ये पेंटिंग।
रहा है फिर न्यूज़ पे आ गए आप बहुत ही अच्छा मेरे माँ बाप अच्छा बताएंगे आप कितना परसेंट काम हो गया आपके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अभी 60% हो गया ये बोल रहे थे कल के 60% हो गया हाँ तो इतने तो हार्ड हो गया 60% नहीं ये बस उतनी ही बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये बात नहीं कर रहे हैं थोड़ा कैरेक्टर पे भी फोकस करो आप किसान भाई कैसी लग रही है पेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है और हिमाचल के कल्चर को डिपेक्ट कर रहे हैं सो इट इज़ वेरी गुड जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो सब ग्लेजिंग एट और देख रहे हैं मतलब इस चीज़ को और आपको कैसा लग रहा है आप स्पेशल लाहौल से आए और ये जो आर्टिस्ट है ये मेन मेहनत तो इन्हीं की है कि दे हैव पोर्ट्रेटेड अब देख तो सभी लेते हैं पर इतने लार्ज स्केल में बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क यहाँ आएंगे तो ऐसे फोटो लेनी है ठीक है परफेक्ट क्या बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन अंश आपको भी आप सबको रेड कार्ड आपको भी सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग काफी सपोर्ट कर रहे हैं तो जा रहे हैं यार बिना सुने ही मेरी कोई बात नहीं चलो वेल डन आज की छुट्टी टन 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 जाओ भाई बाय बोल दिया तुम लोगों को मैंने नहीं बोला भाई इन लोगों ने बाय बोल दिया जाओ अब क्या चाहिए गौरव पकड़ मुझे रोक मुझे यार नाली में नहीं थैंक यू क्या बोल रहा तू चाय बहुत अच्छी बनी है अच्छा थैंक यू बोल उनको दिल से चाय बहुत अच्छी है थैंक यू गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू नो जस्ट लाइक एंड व्हाटएवर लाइक कमेंट्स एंड बाय 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 लॉट ऑफ लव गुड बाय बस आज के लिए काफी है शाम के 6 बज गए और सुबह अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे आए हुए हैं हम बाकी की एक्टिविटीज़ कल कैप्चर करते हैं तो दिस इज़ इट फॉर द डे हेलो जी गुड मॉर्निंग सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन अब तक गोल्डन आवर चल रहा है हमारे सारे आर्टिस्ट पहुंच चुके हैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं आज शूट का तीसरा दिन है और पेंटिंग का आई गेस चौथा या पाँचवा दिन है पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं अपने आर्टिस्ट और आज का हमारा मोटिव बस इतना है कि ये पेंटिंग किसी भी हालत में ख़त्म करनी है बस एक दो या तीन बजे तक मैक्सिमम 3 बजे तक इससे पहले पहले पेंटिंग ख़त्म करनी है और तो सोचे तो हां कर देना आज ही कम खत्म आज कर देना कम खत्म गदन में जो तोड़े आज जान ठीक है आसार लग गए लगे आना ओ बिट्टू
पेंटिंग कैसी लग रही है? पेंटिंग इज ऑसम और बड़ी शहर लगा दी बहुत ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, तो प्राउड ऑफ यू। कैसा लग रहा है अंकल जी? आपके है? आपकी जैसी टोपी लगाई उधर कदे लगाई पेंटिंग? हर कुछ लगा दी बड़का जी, बड़ी तगड़ी हाथ लगा दी भाई, हाथ ब्यूटीफुल भाई, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट फैंटास्टिक बड़का जी, कुत्ता ही जहर, ऑसम ब्रो भाई, आग लगा दी बांकी मिट्टी में। हाय फाइनली अंडरटेकर होश में आ गया। सारे आर्टिस्ट इतने बिजी हो गए हैं कि इनके पास बात करने का टाइम भी नहीं है मेरे साथ। फन फैक्ट ऑफ द डे, आप बताओ कि हो जाएगा आज की डेट में खत्म? ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि हम प्यारी प्यारी बातों में रह जाएंगे। और ये हो जाएगा शाम तक 95% या डन। हाँ, बाकी हम कर लेंगे, डिटेलिंग रही है बस, है ना, हौसले बुलंद। तो जाने से पहले मैं जो आर्टिस्ट हैं इस चीज़ के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है यार? मज़ा है काम करके, मैंने फर्स्ट टाइम होगा जो मैं इतने सारे बंदों के साथ मिल के काम किया है, बांकीबिट्टी अक्षय फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द स्टफ एंड द होल टीम, जो जो लोग यहाँ पर है, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। I was nervous at first, but she's really nice. She's really supportive. Really fun. Thank you so much. एक दूसरे के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ? एक दूसरे के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत सीखा मैंने सुशांत से, मजा आ गया। मतलब मैं डरती थी पेंट ब्रश उठाने से, मैं डरती थी इस तरह की लिक्विड मटेरियल से काम करने के लिए, पर सुशांत ने मेरा डर बिल्कुल खत्म कर दिया। I'm very thankful. आप बोलें। बहुत कुछ सीखने को मिला है, how to interact with people, how to collab with people, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। ठीक है जी, थैंक यू। कितनी देर लगनी और? कब देखेंगे हम फाइनल प्रोडक्ट? अभी नहीं, अभी जितना करो उतना कम है। अच्छा, दिल नहीं भर रहा हमारा, और कर बहुत ज़्यादा करो करो फिर लगे रहो लगे रहो। बचपन से ही मुझे नाम लिखने का बहुत शौक था, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड है उनको शायद पता होगा। So thank you so much.
पर हमने यूज़ किया है. एंड थैंक यू एवरीवन एल्स आल्सो जिन्होंने टाइम लगा के पहाड़ी में कोट सोचे, बिकॉज ये आसान नहीं है, यू नो, आपको हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दिस, क्योंकि नई चीज़ है. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, सारे पैसे इसी चीज़ के हैं, हमने कब आएगी पता नहीं, सीखने पड़ेंगे इनसे. बोलेंगे आप कुछ भाइयों और बहनों, असा पहाड़ी, असा पहाड़ी पशुओं के करके यार बंडा भारी, बंडा भारी, वाह 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 वाह. ये बीच में आप भूल गए थे कि ये कॉमा था ना, कॉमा था बीच में, तो कॉमा था ना, तो पॉज इन्होंने बहुत लंबा लिया. थोड़ा देख लो, थोड़ा सा कॉमा ब्रेक. अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो कर दो एक बार. ये बीच में जो रेड शर्ट में है बांकीबिट्टी, ये है हमारा शेरू. अच्छा. शेरू डॉगी. ये है हमारा सुशांत. अच्छा. पहाड़ी सुशांत. वो हमारी आंटी जी है, उसका नाम भी देते हैं हम बड़े लोगों का. ओके. और हमारी कुकड़ी, और हमारी मैं, हमारी बच्ची, मैंने क्या है हमारा अभी निखिल. अच्छा. हमारा फ्रेंड है जग्गू. अच्छा. ए मैं बच्ची देती हूँ. ध्यान से देखिए इस लड़की को. सो ये है हमारी प्रोजेक्ट वॉल पेंटिंग की टीम जो लास्ट तक खड़ी रही. और पांचवा दिन भी देखते देखते खत्म हो गया और पेंटिंग हमारी हो गई है ऑलमोस्ट, है ना, खत्म. तो बस फिर आप देख लो पेंटिंग, और अगर आप यहाँ पर आते हो पालमपुर में तो सेल्फी लेके इनको टैग कर देना इंस्टाग्राम पे. हाँ, मतलब हमने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स भी लिखे हैं. हाँ. तो आप फाइंडमेओनवॉल्स और बाँकीबिट्टी दोनों को आप टैग कीजिए और हमारे साथ शेयर करना, सेल्फीज लो, यहाँ पे फोटोज लो. और पर ध्यान से, क्योंकि चढ़ाए पे तो प्लीज एक्सीडेंट मत करना अपना, इतनी भी इसमें वो मत जाना. ठीक है फिर. एंड थैंक यू आपका, आपने ये हमारा कवर किया. कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस. माय आल्सो. ठीक है. चेतन गुप्ता 009. फिर जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहना ये चाहेंगे कि लोग आएंगे, एक मिनट के लिए रुकेंगे, फोटो खींच के चले जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है, जो इसके पीछे की मेहनत है, वो बहुत बड़ी है. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग ऐसी चीजें करते हैं, और हम जितना कर सकते थे अपनी तरफ से उतना हम किया. अब इससे ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं, हम आर्टिस्ट हैं नहीं, आर्टिस्ट लोगों ने किया, तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमारे शहर में कुछ ऐसा किया. थैंक यू सो मच फॉर बाँकीबिट्टी एंड फाइंड मी ऑन वॉल्स एंड अक्षय शर्मा. मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो इसके जो ये पेंटिंग हुई, इसके थ्रू हमें अच्छा मैसेज दिया है कि ऐसा पहाड़ी पशु आने करते प्यार बड़ा भारी. अच्छा. तो जो अभी जो चला था कि एनिमल क्रुएल्टी के लिए, मतलब लोग कैसे हैं, पशुओं को मारते हैं, छोड़ देते हैं अपने जानवरों को. हाँ. तो ऐसा ना करें, अगर आप नहीं पाल सकते अपने पशुओं को तो मत पालें, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उनका शोषण ना करें, जितना कर सकते हो उतना करें, बाकी आप रहने. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने. कुछ कहना चाहते हैं? फाइनली मैं काफ़ी हैप्पी था कि हमारे पालमपुर में कोई बंदा वॉल पेंटर बना है, एंड मैं था नहीं यहाँ पे, मैं दिल्ली में था, तो मैं भाग के आया, आज सुबह 7 बजे पहुँचा, एंड इतनी जल्दी मैं ज्वाइन हो चुका मैं हुआ. और काफ़ी अच्छा लगा कि यू नो, इतनी छोटी सी जगह पे इतनी अच्छे अच्छे काम, इतनी वाइब्रेंट पेंटिंग्स बन रही हैं, इतने अच्छे मैसेजेस हम पोर्ट्रे कर रहे हैं. सो दैट्स वेरी नाइस थिंग. एंड बड़ी अच्छी पेंटिंग. मैं चाहूँगा कि आप और भी लोग जो अपना टैलेंट या अपनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, कि बहुत सारी दीवारें हैं जो खराब हो रही हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी. सो प्लीज टेक्स वेरी लिटिल टू हेल्प, बट इट मीन्स अ लॉट. ठीक है जी, थैंक यू. सो दिस इज इट, ये है हमारी फाइनल पेंटिंग, और अब हम रैप कर रहे हैं सारा सामान. आई नो बहुत सारे लोगों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव अ पेंटिंग ऑन द वॉल, बट फॉर आर्टिस्ट लाइक बाँकीबिट्टी, फाइंड मी ऑन द वॉल्स एंड मैनी अदर आर्टिस्ट जो जिन्होंने हमारी सपोर्ट करी, उनके लिए इट्स अ वेरी बिग डील. सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.